आज जो एग्जाम था, जो आज का जो एग्जाम था सो पेपर हल्का था क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर था। कल का एग्जाम जो था ये सीजीएल लेवल का एग्जाम था, 1 से 5 में ये क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि चेयरमैन बीपीएससी साहब के चेयरमैन साहब ने बोले थे कि जो 1 से लेकर STT 8 तक का जो विषय वस्तु रहेगा वही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें जो है बीपीएससी का जो पीटी में क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल हाई था। इसमें डीएलएड वाला का यदि 50 मार्क ला लेंगे तो उनका मौका मिलेगा। दरभंगा स्टेशन पर तो बहुत भीड़ भाड़ चल रहा है, विद्यार्थी के लेके स्पेशल ट्रेन चलाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ है। रहने के लिए होटल का व्यवस्था बहुत नहीं था, नीचे में सोना पड़ा, कहीं को नीचे में रहना पड़ा, इस सब का था व्यवस्था। टिकट मिल पा रहा है आसानी से, जाएंगे कैसे? टिकट मिलना कठिन है क्योंकि लंबा लंबा कतार है, वैसे जैसे तैसे ले लेंगे टिकट, उसके बाद जाएंगे। परेशानी बढ़ रही है। स्पेशल ट्रेन की डिमांड करना चाहिए। हाँ, स्पेशल स्टूडेंट के लिए स्पेशल ट्रेन होना चाहिए। सर, हम उत्तर प्रदेश जौनपुर से आए थे, यहाँ बिहार में बीपीएससी जो तैयारी का जो एग्जाम था वही देने आए थे। यहाँ आप तो वापस हम लोग घर जा रहे हैं और जौनपुर जाएंगे, तो यहाँ ट्रेन वगैरह पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ के हम लोग जाएंगे। और ट्रेन स्टेशन पे तो बहुत सारी समस्या है, यहाँ ट्रेनें बहुत कम हैं और अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत दिक्कत है। अब किसी तरीके से जाना पड़ेगा, अब इस अव्यवस्था में किसी तरीके से अब जाना ही पड़ेगा हम लोगों को। टिकट तो नहीं कंफर्म होने, उधर से नहीं मिला ना इधर से ही मिला। अब जनरल का टिकट हम लोग लेकर जाएंगे किसी तरीके से। नहीं, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी, सरकार की तरफ से कोई या नहीं सूचनाएं थी कि आपके लिए इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि कोई यहाँ से स्पेशल ट्रेन वगैरह चला दिए होते एक आध दो ढो, ताकि यहाँ के अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना होती, तो आराम से अपना जहाँ से आए वहाँ चले गए। देखिए, 2 दिन के एग्जाम के बाद अभी तक कहीं से भी जो पेपर लीक या धांधली से इसकी खबर नहीं आ रही। कल 23-24 लोग पकड़े गए जो दूसरे के बदला में बैठने गए थे, तो वैसे लोग पकड़े गए। चूंकि इस बार बीपीएससी के द्वारा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है, जैसी व्यवस्था की मांग हम पिछले 5 सालों से कर रहे थे, इस बार बीपीएससी ने वैसी व्यवस्था की है, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अतुल प्रसाद सर को जो बीपीएससी के चेयरमैन है, साथ ही समस्त जो जिला के प्रशासन के लोग हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं और बिहार सरकार को भी देते हैं, क्योंकि इनके सहयोग के बगैर ये संभव नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद बीपीएससी के चेयरमैन सर को जाता है, क्योंकि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेक इरादा के चलते ये हो पाया। और यही डिमांड हम करते हैं कि ये व्यवस्था दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, बीएसएफसी, फूड कॉरपोरेशन जो होता है, अमीन वाली, सब में लागू हो। और क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा ये है कि क्वेश्चन कल जो है थोड़ा टफ पूछा गया था, जो कि देखने से भी लग रहा है तो सरकार की मंशा पर थोड़ा संदेह उत्पन्न होता है। लेकिन जो व्यवस्था सेंटर की व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बाकी 8-10 सेंटर पे आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लिया गया, जो कि उस सेंटर की लापरवाही थी, तो उस पर चेयरमैन सर को संज्ञान लेना चाहिए और ले भी रहे हैं संज्ञान। बाकी जगह पर ठीक ठाक रहा, और बाकी जो यातायात संबंधी व्यवस्था है और रेलवे प्रशासन द्वारा, वहाँ पे थोड़ी सी चूक मुझे नजर आ रही है। जैसे बिहार से बाहर के भी लाखों अभ्यर्थी आ गए, क्योंकि बिहार से बाहर और खासकर यूपी के लोग आ रहे हैं, हर स्टेशन पे यूपी वालों की भीड़ है और बिहार के लोगों की भी भीड़ है, तो स्टेशन पे उस तरह की व्यवस्था मुझे नजर नहीं आ रही है।